आज हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल बॉन्ड एंड एटॉमिक साइज, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे ऑफ केमिकल बॉन्ड, उसके बाद द काजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड देन एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होती है? केमिकल बॉन्ड फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटमों को आपस में जोड़े रखती है, यानी जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन में जब एटम जुड़ते हैं वो जिस फोर्स के जरिए जुड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। काजेस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, केमिकल कम्बिनेशन यानी एटम्स आपस में मिलके कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, एटम्स इंडिविजुअल स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं है। सबसे पहले जो इसमें बात आती है वो यही है कि नियरेस्ट नॉर्मल गैस अटेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन से क्या मुराद है? जो नॉर्मल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। वैलेंस शेल्स कंप्लीट होते हैं तो ये भी अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें कौन सी है कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जब करते हैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए करते हैं। ऑक्टेट रूल से क्या मुराद है? यानी जिसमें इस रूल के मुताबिक तमाम एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है, जो है वो तो 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। इसको टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन के लिए क्या करते हैं? एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, और इसको यानी नियरेस्ट नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए या फिर ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड की एग्जाम्पल देखें कि सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम जो है वो क्या करेगा? नियरेस्ट यानी नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन करेगा, और हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा? हीलियम की कन्फिग्रेशन अटेन करेगा। तो इसके लिए हाइड्रोजन क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और सोडियम क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। सेकंड में कितने होते हैं? 8। यानी फर्स्ट में कितने हैं? 2 हैं। सेकंड में कितने हैं? 8 हैं। और जो वैलेंस शेल है उसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। इसके लिए क्या पॉसिबल है कि अगर ये वैलेंस शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं जब वो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये जो इसका वैलेंस शेल है वो ये बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है निस्बत किसके? 7 इलेक्ट्रॉन लेने के। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। हाइड्रोजन में कितने हैं? उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसके वैलेंस शेल में कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो ये क्या करते हैं, यानी जो है वो इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, और इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है। लेकिन इसको ऑक्टेट रूल को तमाम कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे BF5 है, SF6 है, BCl3 है, ये इस कंपाउंड के मुताबिक बॉन्ड्स नहीं बना रहे हैं। अब इसके लिए जो है वो क्या है कि तीसरी कंडीशन क्या है कि एटम्स, हम कहते हैं कि एटम्स, पहले हमने कहा कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे क्यों होती है। फर्स्ट पे हमने कहा कि ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए। सेकंड पे हमने कहा नियरेस्ट नॉर्मल गैस
के कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए। थर्ड पे क्या है, हम ये कह रहे हैं कि एनर्जी अपनी कम करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस दौरान जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होती है, जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, चूंकि सेम चार्जेस हैं, ये रिपेल करेंगे और ये इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस की भी आपस में रिपल्शन होगी, लेकिन ये कम होगी क्योंकि आउटर साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन क्या होती है, ज़्यादा जो है वो होती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हो जाएगी ओवर फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो ये एटम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमने केमिकल बॉन्ड को क्या कहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, तो क्या हो गया, एटम कंबाइन हो गए। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, तो क्या होगा, एटम्स कंबाइन नहीं हो पाएंगे, वो सेपरेट ही रहेंगे। एक्चुअली जब ये आप एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आती हैं जो है वो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब रिपल्सिव फोर्स डेवलप होती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मोर है वो एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो, यानी जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। यहाँ पे ये देखिए डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या इंडिकेट किया हुआ है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे फार डिस्टेंस पे है, यहाँ पे जो है वो थोड़े क्लोज हैं, यहाँ पे मजीद क्लोज हैं, और यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ये इधर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब वो एक दूसरे से दूर है, जब वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये क्या करते हैं, ड्यूरिंग यानी जो हाई एनर्जी होती है जब वो इंडिविजुअल स्टेट में होते हैं, और जब वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो क्या करते हैं, वो एनर्जी लूज करते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जब भी जहाँ भी, इसीलिए हम कहते हैं जहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जब दो एटम्स जो हैं वो करीब आए, इतने डिस्टेंस पे आए 75.4, यानी ख़ास डिस्टेंस तक आते हैं, उससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं हो सकते क्योंकि फिर क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, यानी इस डिस्टेंस पे क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होती है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ बॉन्ड डिस्टेंस और कंप्रोमाइज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं जो है वो, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, यानी हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है, और कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, ये 436.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी, और इसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। सो जब रिपल्सिव फोर्सेस अगर डोमिनेंट हो जाएंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से वो कंबाइन नहीं होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या होगा कि वो सेपरेट हो जाएंगे, इंडिविजुअल फॉर्म में जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक साइजेस। साइज ऑफ एटम जो है वो बहुत सी इसके पैरामीटर्स को स्टडी करने के लिए
एटम्स के पैरामीटर को स्टडी करने के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप जो है वो साइज डिस्कस करते हैं तो उसमें एटम्स को आप ज्यूम करते हैं ये क्या है, स्फेरिकल है। क्यों इसे यानी एटम को ज्यूम करते हुए आप क्या करते हैं, साइज मेजर करने के लिए वेरियस रेडियाई जो है वो उनको साइज वो मैयर आप नहीं कर सकते, इन साइज को जो है वो मैयर किस फॉर्म में करते हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई पे करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड आयोनिक है, कोवलेंट कंपाउंड है, यानी कौन सा कंपाउंड है। सबसे पहले है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस से मुराद क्या है, रेडियस का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर। और यहाँ पे अगर आप एटम को स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, स्फेरिकल का मतलब जो है वो ये है, ये फॉर एग्जांपल ये एटम जो है वो स्फेरिकल है, तो यहाँ पे सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होगा उसको क्या कहा जाएगा, एटॉमिक रेडियस, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, दैट इज नोन एज रेडियस। रेडियस को जो है वो आप प्रिसाइज यानी एक्चुअल एग्जैक्ट वे में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपने वैलेंस शेल कहा उसको आपने क्या कहा था कि पाथ है और वो पाथ डेफिनेट नहीं है। आपने क्या कहा था कि जो ऑर्बिटल है यानी वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मैक्सिमम है उसको आपने क्या कह दिया, ऑर्बिटल कह दिया। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती रहती है, चेंज हो जाती रहती है। इस तरह से कह सकते हैं कि नो शार्प बाउंड्री, यहाँ पे क्या है जो है वो ये शार्प बाउंड्री एटम की नहीं है क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं भी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, कहीं भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। कभी ना कभी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन मैक्सिमम जो है वो जहाँ पर रिजाइड करता है उसको आप क्या कहते हैं, अब ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। अब जो है यानी इस वजह से शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से जो एग्जैक्ट साइज है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरा जो है वो जो नेबरिंग एटम्स हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्या होगा, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से ये न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हो जाएगी और इस वजह से जो उसका साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज जो है वो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है। एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर हम कैसे करते हैं, विद हेल्प ऑफ एक्स रेज या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए जो है वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन रोज एंड कॉलम्स में, जो उसके जो वर्टिकल रोज हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल हैं कॉलम्स उनको जो है वो क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। तो आप एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ेंगे पीरियड्स में और ग्रुप में, ग्रुप मीन ऊपर से नीचे जो है वो ग्रुप वर्टिकल कॉलम, और पीरियड मीन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो है पीरियोडिक टेबल में अगर आपने कभी देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जो पीरियड में वन बाय वन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जबकि ग्रुप में क्या होता है, अब्रप्टली इंक्रीज होता है, यानी उसमें जो है वो क्या है कि अगर ऊपर फॉर एग्जांपल ये है सोडियम, इसका क्या है 11 है, इसके ऊपर जो है वो क्या है हाइड्रोजन है, उसका कितना है 1 है, इस तरह से जो है वो होता है कि यहाँ पे ये सडन इंक्रीज होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ग्रुप पीरियड में क्या होता है वो, यानी अगर यहाँ पे जो है वो कोई एलिमेंट है जैसे ही हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन है एंड हीलियम बिलोंग्स टू सेम पीरियड, हाइड्रोजन का कितना है 1 है और हीलियम का कितना होता है 2, यानी एक एक करके जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम एटॉमिक रेडियाई देखें,
पीरियड में क्या होता है, देर इज़ नो इंक्रीज इन शेल, जो है वो शेल में शेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सेम शेल, देर इज़ नो इंक्रीज इन शेल। तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा अफेक्टिव होगा, यानी इसी शेल में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, क्योंकि वन बाय वन जो है वो एडिशन हो रही है, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पे चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। यानी अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जब उसको अपनी तरफ खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, सो साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है फॉर एग्जांपल एक ये है एटम है, इसमें इसका साइज ज़्यादा है, साइज ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें शेल की तादाद ज़्यादा है, या आप कह लें कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल है और ये क्या है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले शेल्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहेंगे, इंटरमेनिंग, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनको इसमें जो प्रेजेंट होंगे उसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, इनमें रिपल्शन होती है, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑपरेट होगी तो क्या होगा, ये जब इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो क्या होगा, ये दूर खिसक जाएगा न्यूक्लियस से, दूर यानी न्यूक्लियस से परे हट जाएगा, यहाँ तक चला गया। अब जो है वो डिस्टेंस, इसका वैलेंस शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स इस वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन्स पे कम लगेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि शील्डिंग क्यों कहा जाता है, कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की फोर्स उन पे कम लग रही है, न्यूक्लियस की फोर्स कम लग रही है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर होगा तो साइज ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे पीरियड में जो शेल्स इंक्रीज नहीं होते हैं, सो शील्डिंग इफेक्ट का जो है वो फैक्टर काउंट नहीं होगा, जस्ट जो है वो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है ये पीरियोडिक टेबल, देखें पीरियोडिक टेबल में ये देखें, दीज आर द वर्टिकल रोज एंड दीज आर द कॉलम, दीज आर जो है वो दीज आर ग्रुप्स एंड दीज आर हॉरिजॉन्टल, जो लाइंस हैं वो इंडिकेट कर रही हैं पीरियड को। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ का इसका एक है, इसका तीन हो गया, इसका 11 हो गया, 19 एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम का देखें 11 है, आगे मैग्नीशियम का 12 है, एलुमिनियम का 13 है, सिलिकॉन इस तरह सोन, यानी ये पीरियड और ग्रुप में बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर कैसे इंक्रीज और जो है वो हो रहा है, पीरियड में एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जबकि जो है वो कॉलम में क्या हो रहा है, अब्रप्टली इंक्रीज हो, ग्रुप में अब्रप्टली। नेक्स्ट है आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई से जो है वो क्या मुराद है, आयोनिक रेडियाई से मुराद है कि आयोनिक रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन, इसको भी क्या करते हैं, रेडियस ऑफ आयन, वाइल आयन कंसीडरिंग द आयन इट इज़ अ स्फेरिकल, हमें पता है देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, केटाइन एंड एनायन, और जो आयोनिक रेडियाई है वो मैयर किस टर्म में करते हैं, पिकोमीटर की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अब जो केटाइन है उसका साइज कम होता है एज कम्पेयर टू आयोनिक रेडियाई, कम होता है एज कम्पेयर टू एनायन। केटाइन क्या होता है, केटाइन वो है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, वो केटाइन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी बन जाती है, जबकि जो एनायन है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते
इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। और एनायन का साइज जो न्यूट्रल एटम है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि केटाइन क्या होता है, कम होता है। केटाइन का साइज कम क्यों होता है? केटाइन का साइज कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और दो ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब जो है जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसमें क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, दो हैं। तो ये दो प्रोटॉन, दो पॉजिटिव चार्ज इस एक इलेक्ट्रॉन को मोर टाइटली क्या करेंगे या मोर स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टिव हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज अफेक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स डालेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, उनको खींचेगा अपनी तरफ। जब वो उनको खींचेगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाएगा। यानी केटाइन का साइज श्रिंक क्यों होता है, इसलिए कि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जबकि एनायन क्या है, एनायन का साइज ज़्यादा क्यों होता है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज चूँकि इम्बेलेंसमेंट होगी ना इलेक्ट्रॉन्स में और रे में, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है ये इनकी पावर ज़्यादा हो गई, इसकी पावर कम है, तो क्या होगा कि अभी जो है वो ये इतनी फोर्स से इसको नहीं खींच पाएगा, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर हट जाएंगे, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, अफेक्टिव होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है वो जो मैग्नीशियम प्लस टू है वो जो है वो उसका जो डिक्रीज इन रेडियस है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर एंड जितना ये वो होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये सोडियम है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका साइज क्या होगा जो है वो कम डिक्रीज होगा। अगर किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो उसका साइज और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, मीन इट इज़ स्मॉलर एज कम्पेयर टू दिस। एंड एल्यूमिनियम में से जितना, यानी जितना ऊपर चार्ज ज़्यादा होता जाएगा उतना साइज क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। इसीलिए इस वजह से कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। एनायन का साइज इंक्रीज क्यों होता है, इसके जो है वो ये रीज़न है कि वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव नहीं रहता। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दूर हट जाते हैं और साइज उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब जो है वो इसके पीरियड में और ग्रुप में, पीरियड में क्या होता है, सेम है, जिस तरह के एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ा कि एटॉमिक जो आयनिक रेडियस है वो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मूव करते हैं, तो डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और ऊपर से नीचे चूंकि जो है वो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं ग्रुप में, ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर ग्रुप में कौन सा आता है, शील्डिंग इफेक्ट का आता है, कि वहाँ पे क्या होता है, शेल्स इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो फिर क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परे खिसक जाएंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो है वो अब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो केटाइन और एनाइंस जो है उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होती है, उसके ज़रिए आपस में वो क्या कर रहे होते हैं, यूनाइट कर रहे होते हैं। और जो वैल्यूज़ हैं, जो यानी जो आयोनिक कंपाउंड है उसका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड सम ऑफ द रेडियस ऑफ एनाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोटाशियम क्लोराइड है, इसका पोटाशियम का जो
साइज है वो कितना है, 133 पिकोमीटर, जबकि क्लोरीन क्लोराइड का कितना है 181। जब इन दोनों को ऐड करेंगे ये 314 आएगा। 314 किसका है, यानी वो इंटरायोनिक डिस्टेंस होगा क्रिस्टल लेटस में, इंटरायोनिक डिस्टेंस जो है वो। और अगर आपने जो है वो रेडियस ऑफ केटाइन फाइंड आउट करना है, अगर आपको ये टोटल वैल्यू दी हुई है और किसी केटाइन एनायन का रेडियस दिया हुआ है, तो फिर आप उसमें से टोटल में से उसको केटाइन या एनायन वाले को माइनस करके एनायन और केटाइन का फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट रेडियाई। कोवलेंट रेडियाई जो है वो क्या होता है, कोवलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ। सिंगल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ से क्या मुराद होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी जो न्यूक्लियस होते हैं उनके जो है बॉन्डेड एटम का उनका डिस्टेंस। रेडियस चूंकि जो है वो हाफ होता है, तो द हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम दैट आर बॉन्डेड टूगेदर बाई कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम दैट आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल द कोवलेंट रेडियस जो हाइड्रोजन का है वो 37.7 पिकोमीटर है। ये कितना है, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर होती है वो कितनी, 75.4 पिकोमीटर है बॉन्ड लेंथ, उसका हाफ कितना है 37.7, ये उसका क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। तो कोवलेंट रेडियस को जो है वो किसी और एटम से यानी जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है CCl की, वो CH3 सेल में कितनी है, 176.7, जबकि जो कोवलेंट रेडियस है क्लोरीन का वो कितना है, 99.4 जो है वो। तो कार्बन एटम की आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सब्स्ट्रैक्ट कर दे जो है वो CCl की वैल्यू, सो कोवलेंट रेडियस जो है वो कार्बन एटम का कितना आ जाएगा, 176 में से 99.4 माइनस कर दे 77.3 ये कार्बन एटम का आ जाएगा।